साथियों नमस्कार, ये है आरी की तरफ से आने वाला बेस्ट मॉडल जिसका नाम है जीटी कॉन्टिनेंटल 650। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन मॉडल है और अभी हमारे सामने जो कलर है उपलब्ध है ये है मिस्टर क्लीन कलर, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। डबल एग्जॉस्ट में आ जाता है। पीछे से आप लाइट देखेंगे तो भाई भी एकदम से जो है रेट्रो लुक जो है लग रहा है। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। एक यूनिक सा डिज़ाइन पैटर्न जो है तैयार किया गया है। बाकी दोस्तों आप सीट देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की जो सीट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि काफ़ी बढ़िया है। 650 सीसी का इसका इंजन है। वैसे देखा जाए तो 648 सीसी डबल सिलेंडर यहाँ पर दिया गया है जो कि 4-स्ट्रोक इंजन दिया गया है। डिजिटल स्पार्क इग्निशन के साथ में आता है। ऑयल कूल्ड इंजन है जो कि भाई काफ़ी बढ़िया दिया गया है। इसकी जो पावर है दोस्तों BHP की अगर मैं बात करूं तो 47 BHP का पावर यहां पर मिलने वाली है। टॉर्क की अगर बात करें तो 52.3 Nm का जो है टॉर्क मिलने वाला है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 78/67 का जो है बोर एंड स्ट्रोक यहां पर मिलने वाला है जो कि भाई काफ़ी अच्छा काम किया गया है। पीछे से आप देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके का जो लुक है वो निकल करके आता है। और आरी में भाई एक नया डिज़ाइन पैटर्न जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये है भाई इसका मीटर जो कि सेमी डिजिटल है। जी हाँ दोस्तों, एनालॉग भी है और डिजिटल एक छोटी सी डिस्प्ले जो है दी गई है। यहाँ पर दोस्तों टाइम वगैरह तो आपको शो नहीं होगा, बाकी अदर जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। साइड स्टैंड अलार्म भी दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके की जो नॉब है वो यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और ये भाई एकदम क्लासिक है। और देखा जाए तो दोस्तों जितने भी रॉयल इनफील्ड के मॉडल आ रहे हैं सभी में ये जो पैटर्न है वो यूज किया गया है कुछ इस तरीके का। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सिल्वर में ही आपको इंजन मिलने वाला है। प्रॉपर काफ़ी तगड़ा इंजन यहाँ पर भाई दिया गया है। डायमेंशन की बात करें तो भाई व्हील बेस जो है 1398 mm का है। और वहीं ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 174 mm की है जो कि भाई काफ़ी बढ़िया दी गई है। सामने आप देखेंगे तो भाई डबल ABS मिलने वाला है। डबल चैनल ABS यहां पर आपको मिलेगा। और सस्पेंशन फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक फॉक्स दिए गए हैं। रियर में ट्विन गैस चार्ज सॉक्स एब्जॉर्बर जो है मिलने वाले हैं विद एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ में। गाइज इसका जो साउंड है साउंड भी काफ़ी जानदार है और ये जो बाइक है सबसे ज़्यादा बिक रहा है साउंड के लिए। बात करें भाई इसके एवरेज की तो भाई जो एवरेज है 20 का एवरेज आपको मिल जाएगा माइलेज, यानी कि 20 का मिलने वाला है। 18 से 20 का माइलेज आपको बड़े ही आराम से बाइक दे देगी। दोस्तों यहां पर ग्राउंड क्लीयरेंस 174 mm का है। लेंथ इसकी 2119 mm की है। विड्थ है भाई 780 mm की। हाइट है भाई इसकी 1067 mm की। और भाई ये है इसका डबल क्रेडल फ्रेम जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। पीछे के सस्पेंशन आप देख सकते हैं जो कि ट्विन गैस चार्ज सॉक्स एब्जॉर्बर हैं। भाई ये है फुटरेस्ट। फुटरेस्ट पर भी भाई रॉयल इनफील्ड का जो लोगो है वो लगाया गया है। और अभी जो मैं ये मॉडल दिखा रहा हूँ यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको स्पोक अलॉय। दोस्तों जो व्हील अलॉय आते हैं वो वही एक अलग मॉडल है, थोड़ा सा प्राइस उसका ज़्यादा हो जाता है। बाकी कलर सेक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। सामने का जो टायर्स है वह भी काफ़ी बढ़िया। और ये भाई मिल जाता है आपको रेडिएटर जो कि भाई इंजन को कूल रखने में भाई करता है मदद। 240 kg का भाई कर्व वेट है इसका जो कि काफ़ी हैवी है भाई। आप देख सकते हैं भाई जो 650 इंजन आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाइक में कुछ जान तो होगी ही भाई। एकदम से पीछे से रेट्रो डिज़ाइन है, आगे भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो लुक है वो निकल करके आता है। जो सीट है यार काफ़ी आरामदायक सीट है। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। और भाई ये आप साइड से देख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से लग रहा है। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है दूर से देखने में बिल्कुल अलग ही खड़ी हुई ये बाइक लगती है। सामने से मैं दिखाऊंगा इसमें तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ना तो लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको LED लाइट्स का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो टेल लैम्प है ना दोस्तों 12 volt का हेलोजन लैम्प दिया गया है। हेड लैम्प जो है यहाँ पर FPL है 1.55 volt का LED में दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज ये तो बात होगी लाइट की, अब बात कर लेते हैं भाई इसके जो गियर ऑप्शन है। दोस्तों जो गियर ऑप्शन है 1 down है 5 up है, यानी कि 6-speed ट्रांसमिशन मिलने वाला है। क्लच जो है यहाँ पर असिस्ट एंड स्लीपर क्लच यहाँ पर मिलने वाले हैं। गाइस कलर ऑप्शन इसमें जो है और भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, लेकिन ये वाला जो कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव है। बीच में जो ट्रीटमेंट ब्लैक का किया गया है ना टैंक के ऊपर, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गाइस अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी शुरुआती जो कीमत है दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ 3,45,000 के अराउंड है, जो कि दोस्तों कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रखी है। और दोस्तों इसमें जो है कलर ऑप्शन काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।